जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज विजय हजारे ट्रॉफी का रोमांचक मुकाबला महाराष्ट्र और केरला की टीम के बीच में खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे संजू सैमसन, तो उस दौरान महाराष्ट्र की टीम के गेंदबाज जगदीश जोप ने उनको आउट करने के लिए कर दी एक ऐसी हरकत की वायरल हो गया वीडियो, देखने के बाद आपको भी आएगा गुस्सा। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को लगे 2 बड़े झटके, प्रैक्टिस के दौरान घायल हुए ये 2 खिलाड़ी अब दौरे से होंगे बाहर। तो दोस्तों आखिरकार कौन है ये 2 खिलाड़ी, इनके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में घरेलू सत्र की सीरीजों का ऐलान हो चुका है, जहां पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की सफल आयोजन के बाद अब विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही है। और ऐसा ही आज विजय हजारे ट्रॉफी में रोमांचक मुकाबला हम सभी को देखने के लिए मिला, जिसने अंतिम समय तक हर एक दर्शक के रोंगटे खड़े कर रख दिए। दरअसल दोस्तों हम आपको बताएं कि इस मुकाबले में महाराष्ट्र और केरला की टीम आमने सामने भिड़ी, जहां पर महाराष्ट्र टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों उनका बल्लेबाजी करने का फैसला टीम के लिए बिल्कुल सही भी साबित हुआ। दरअसल दोस्तों यहां पर जब महाराष्ट्र की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी तो महाराष्ट्र की टीम ने 50 ओवर में शानदार बल्लेबाजी के बलबूते पर 8 विकेट के नुकसान पर 291 रन बनाए, और वहीं 292 रनों का लक्ष्य संजू सैमसन की कप्तानी वाली केरला की टीम को दिया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 129 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली, लेकिन यहां पर संजू सैमसन ने उनको अपनी चालाकी में फंसा लिया और ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट 124 रनों पर गिरा, जहां पर अपनी 124 रनों की पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए थे, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों फिर उनका साथ देने आए यश नायर मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं अंकित बावने ने 11 गेंदों में 9 रनों की पारी खेली, और वहीं राहुल त्रिपाठी का तूफान हम सभी को देखने के लिए मिला, जिन्होंने 108 गेंदों में 99 रनों की पारी खेली और अपनी 99 रनों की पारी में उन्होंने 11 चौके लगाए। तो वहीं उनके बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नौशाद शेख, जो कि 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं अजीम काजी ने 17 गेंदों में 20 रन की पारी खेली, स्वप्निल फुलपाकर 14 रन बनाकर आउट हुए, और कोई भी बल्लेबाज महाराष्ट्र की टीम से बस मात्र ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी को छोड़कर अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाया, जिसके चलते महाराष्ट्र की टीम ने यहां 291 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। और वहीं फिर जब 292 रनों के लक्ष्य के जवाब में केरला की टीम मैदान पर उतरी तो केरला की टीम के 2 बड़े विकेट आते से ही गिर गए थे, क्योंकि यहां पर राहुल और मोहम्मद अजरुद्दीन कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए, जहां पर रोहन ने 21 गेंदों में 5 रनों की पारी खेली, तो वहीं मोहम्मद अजरुद्दीन 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं वत्सल गोविंद ने 24 गेंदों में 18 रन की पारी खेली, और यहां पर पूरी केरला की टीम डगमगाती हुई नजर आ रही थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि केरला की टीम इस मुकाबले में वापसी भी कर पाएगी, क्योंकि यहां पर सचिन बेबी भी 0 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, और ऐसे में मात्र 30 रन से भी कम के स्कोर पर केरला की टीम के 4 बड़े विकेट गिर गए थे। लेकिन यहां पर फिर पारी को संभाला जलज सक्सेना और संजू सैमसन ने, जहां पर जलज सक्सेना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली और अपनी 44 रन की पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए, तो संजू सैमसन ने 35 गेंदों में 42 रन बनाए, जहां पर कप्तान संजू सैमसन को भले ही बेमानी से आउट कर दिया गया, लेकिन यहां पर संजू सैमसन ने 42 रन की पारी में 4 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। लेकिन दोस्तों यहां पर तारीफ करनी होगी विष्णु विनोद और सिजुमोन जोसेफ की, जहां पर विष्णु विनोद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 82 गेंदों में 100 रन बनाए और अंतिम ओवर तक इस मुकाबले को लेकर गए, और इस मैच में सिजुमोन जोसेफ ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 70 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली और अपनी 71 रनों की पारी में उन्होंने 2 चौके और 4 बड़े छक्के लगाए। ऐसे में दोस्तों यही था पूरा आज का मैच, जो कि केरला की टीम ने 4 विकेट से अपने नाम किया। तो ऐसे में दोस्तों अब आपकी क्या राय है केरला की टीम के प्रदर्शन के बारे में, और ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की बल्लेबाजी के ऊपर भी आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है
दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 से जारी हो चुकी है, जहां पर विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले बेहद ही रोमांचक हम सभी को दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक तरफ भारतीय टीम के खिलाड़ी अहम भूमिका इन मैचेस में अपनी अपनी टीमों के लिए निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी छोर पर गेंदबाजों का भी आक्रामक रूप दिखाई दे रहा है। और ऐसे में दोस्तों अब विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के तीसरे दौर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की टीम के बीच में मुकाबला जारी है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि चंडीगढ़ सेक्टर 16 में क्रिकेट स्टेडियम में इस एलिट ग्रुप सी मैच की मेजबानी करी जा रही है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन की, तो अब तक उत्तर प्रदेश की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में दो मुकाबले खेले और दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के खिलाफ हुआ तो दिल्ली की टीम को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जहां पर हैदराबाद की टीम ने दिल्ली के खिलाफ 325 रन ठोक डाले थे और ऐसे में 326 रनों का लक्ष्य दिल्ली की टीम को मिला था और दिल्ली की टीम 79 रनों से इस मुकाबले को हार गई थी। और ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमें पिछले मुकाबले अपने अपने हार करा रही है और ऐसे में अब दोनों ही टीमों के बीच में कड़ी टक्कर हम सभी को आज यानी कि 11 दिसंबर को देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोनों की ही प्लेइंग 11 टीमों के बारे में, तो आप सभी को दोनों की प्लेइंग 11 टीम में काफी बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और वहीं आज पिच की कंडीशंस को अगर देखा जाए तो जो सी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला इस मुकाबले में करने वाली है। तो आइए चलिए अब हम आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश की प्लेइंग 11 टीम बता दें। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, जो उत्तर प्रदेश की प्लेइंग 11 टीम आज आप सभी को उतरती हुई दिखाई देगी, उसमें खिलाड़ी शामिल होंगे अलमास सौकट, आर्यन ज्वाल, करण शर्मा, प्रियम गर्ग, अक्षदीप नाथ, रिंकू सिंह, समीर चौधरी, शिवम मावी, शिवम शर्मा, मोहसिन खान और यश दयाल। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये टीम आप सभी को भिड़ती हुई आज नजर आने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे शिखर धवन तो उस दौरान तिलक वर्मा ने किया कुछ ऐसा कि जानने के बाद आपका भी भड़क उठेगा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, जब शिखर धवन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनको आउट करने के लिए जब तिलक वर्मा गेंदबाजी करवाने के लिए आए, तो उस दौरान तिलक वर्मा ने शिखर धवन को बेईमानी से आउट करने की कोशिश की, जहां पर एम्पायर ने उन्हें आउट लगभग दे भी दिया था। पूरी बेईमानी तिलक वर्मा करते हुए दिखाई दी। और अब ऐसे में आपकी क्या राय है भारतीय टीम के खिलाड़ी शिखर धवन के बारे में, अब अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, T20 मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस T20 मुकाबले की, तो ये T20 मुकाबला आप सभी दोपहर भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से लाइव देख सकोगे। फालतू में नजर आने वाले हैं, जहां पर टीम में पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल जैसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।